असला बारूद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ अभी यूएनओ करके, मैंने वहाँ पे देखा प्रेसिडेंट साहब जो हैं वहाँ के, जो कि ट्रंप बहू, उनको मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, बात 15 मिनट मुझे मिले, पूरे गोरे पागल हो गए, उधर से कोई लाल बत्ती चमका रहा है, कोई स्टॉप कर रहा है, लेकिन मैंने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी बताने में कि भाई मैं कितना सही हूँ। एंड यू वोंट बिलीव कि न केवल वहाँ के प्रेसिडेंट बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोदी जी, उनको भी ये लगा होगा कि बंदे ने क्या स्पीच दिया, उनके तरफ भी कुछ खलबली मच गई होगी। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने उनसे बात करी ना कि भाई कश्मीर के बारे में, मैंने कहा प्रेसिडेंट मोदी, थैंक्स लॉट, बहुत अच्छा बताने के लिए, मतलब मैं आपको देखें मैं क्या करूं, मैं इतना ज़्यादा ज़ाया हुआ पड़ा हूं कि मेरे को खुद नहीं पता लगता मैं प्रेसिडेंट बोलूं, प्राइम मिनिस्टर बोलूं, अपनी वाइफ को भी कभी कभी हिनर बानी बोल देता हूं। तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, मैंने कहा हमारे लोग फंसे हुए हैं कश्मीर में, अब्दुल्ला अमर, मतलब दोनों बाप बेटे, और वो कौन सी है महबूबा, सब हमारे बंदे फंसे हुए हैं वहाँ पे। आप देखें, मैंने सबको वहाँ पे जो पत्थरबाज थे उनको सिखाया था भाई यॉर्कर कैसे मारते हैं पत्थरों से, टखनों पे मारना, वेस्ट के ऊपर फुल टॉसे कैसे देनी है, बीमर कैसे मारना, लेकिन उनको मौके ही नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन उन सबको मौका मिल गया, कर्फ्यूज़ वगैरह खुल गए ना, सब ने अपनी अपनी गने निकाल लेनी है। और अगर अब की बार तुमने कुछ वो रेड बत्ती दिखाई ना, मैंने अपनी गन निकाल लेनी है, छुपा करके लाया था मैं, ऐसे मैंने बोला था यूएन में। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम ठीक है भाई, ये यूएन की आपकी तो कोई इज्जत नहीं, हमारी तो है। मैंने कहा हाँ, ऐस करके तुसी चुप हो जाओ। तो वो लोग चुप हो गए, उन्होंने मेरे को बहुत वहाँ पे वो किया, तालियां बजा रहे थे कि भाई अब तो उतर जा, अब तो उतर जा, अब तो उतर जा। लेकिन मैंने बींग पाकिस्तानी किसी की नहीं सुनी। आपके यहाँ पे इंडिया में एक कंपटीशन हुआ था, फाट कंपटीशन, कौन कितना लंबा फाटेगा। लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं सारा वहीं फाट आया, 50-55 मिनट जो भी थे।